यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके। हम मेल तो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों से। तब उसने क्या करा कि इनके बीच से मेल उठा ले, क्योंकि मेल की वैल्यू ही नहीं है। मेल है क्या चीज? परमेश्वर से मेल कराने का मेल है क्या? मेल पवित्र आत्मा का एक फल है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में, और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हैं, हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने बात करा था प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 2 पद तक, अर्थात सफेद घोड़े के बारे में और उसके सवार के बारे में जो है हम लोगों ने बातचीत करी थी, हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सीखा था। आज हम बात करेंगे दूसरी मोहर के बारे में। पहले संदेश में हमने देखा था पहली मोहर के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि दूसरी मोहर का खुलना। जब दूसरी मोहर खुलती है तब क्या होता है, उसका वर्णन जो है वह हम पहले पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 4 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब यहां जो है समझने वाली बात है, पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि दूसरा प्राणी जो है वो यूहन्ना को बुलाता है। अब यहां पर दूसरा प्राणी बुला रहा है, और क्या है, लाल रंग का घोड़ा है और उस पर एक सवार है, उसका एक सवार है, ठीक है। सवार के पास जो है पृथ्वी पर से मेल जो है उठाने का अधिकार जो है वो दिया गया है, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। और ये चौथा पॉइंट था कि ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। पांचवा है, और उसे एक तलवार दी गई। 4 प्राणियों में से जो है दूसरा जो प्राणी है वो यूहन्ना को बुलाता है। अब हम यहां पर दूसरे प्राणी की बात करेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो दूसरा प्राणी है वो बछड़े के समान है। देखिए, बछड़ा जो है ये बलिदान का प्रतीक है। जब आप लय व्यवस्था 1 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक पढ़ेंगे और लय व्यवस्था 4 अध्याय का 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत से बलिदानों के बारे में है, और वो बलिदान, बहुत से बलिदान के नाम भी दिए गए हैं, पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि, दोष बलि, मेल बलि तथा अन्य और बलिदानों के विषय में भी ये लिखा है। और प्रत्येक बलिदानों में जो है वो पशु बलिदान हुआ करते थे, जैसे भेड़ हो गई, मेमना हो गया, बकरा हो गया, बछड़ा हो गया, ये जो थे ये बलिदान जो थे हुआ करते थे। बहुत से बलिदानों का संबंध बछड़े के बलिदान से है, तभी यहां पर बछड़े का भी जिक्र आया है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि ये क्यों बलिदान होते थे, ध्यान करने की बात है, इब्रानियों 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ध्यान करना, पहले जो भी वस्तुएं हुआ करती थी, चाहे वो लोग हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पवित्र स्थानों की वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो लहू के द्वारा जो थी वो पवित्र की जाती थी। और मेमने का या बछड़े का या किसी भी पशु का जब लहू बहाया जाता था तो उसके अनुसार क्या होता था, वो उनकी शुद्धता का कारण होता था कि उनके लहू के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहां जब लय व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, अर्थात जीवन लहू में है। इसलिए देखिए, शरीर का प्राण कहां है, लहू में है। मैंने पूरा पद नहीं पढ़ता हूं कभी कदार आधा, कि वहां पर लिखा है कि शरीर का जो प्राण है वो लहू में है, अर्थात शरीर में जो जीवन है वो जीवन जो है वो लहू में है। और ये जीवन जो है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और वो क्या हुआ,
एक मेमने के रूप में आया, और एक मेमने के रूप में आकर वो क्या हुआ, बलिदान हुआ हमारे और आपके लिए। ये जो मेमना कह लीजिए या बछड़े का जो बलिदान है, ये बलिदान किसको दर्शाया जा रहा है, इसका संबंध लहू से है। सीधी सी बात है कि यहां पर जो है लहू से संबंध है। जब ये प्राणी जो है यूहन्ना को बुलाता है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, और वो एक लाल घोड़ा देखता है, तो इसका संबंध लहू से है। और वो प्राणी जो है बलिदानों के हिसाब से जो लहू है वो बलिदान का प्रतीक है, और इसलिए ये सवार जो है इसको भी लहू बहाने का अधिकार दिया गया, मेल उठा ले, ताकि लोग जो है एक दूसरे को वध करें, एक दूसरे का लहू बहाएं। और ये बड़ी भयंकर बात है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जब हम यीशु के लहू की बात करते हैं, तो जब आप पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका सातवां पद पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये तो उस शुद्धता की बात हो गई लहू बहाने की, क्योंकि वो जो लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया, हमने उसकी अहमियत को नहीं समझा, हमने उसकी कीमत को नहीं समझा, हमने उसके मूल्य को नहीं समझा, और हम यीशु का लहू जो हमारे लिए एक एक बूंद पूरी बहा दी गई, उसके शरीर से पूरा लहू निचोड़ लिया गया, किस लिए, ताकि मैं और आप शुद्ध और पवित्र किए जाएं परमेश्वर के लिए, ताकि मेरे और आपके पाप जो है वो धुल सकें यीशु मसीह के लहू में, हम और आप शुद्ध हो सके। परंतु हमने और आपने शुद्ध होना ही नहीं चाहा, पवित्र होना ही नहीं चाहा, और अपने लिए क्या चुनी, अपने लिए मौत चुनी। इसलिए परमेश्वर का वचन ना व्यवस्था विवरण में भी कहता है कि मैं तुम्हारे आगे दो चीजें रखता हूं, मृत्यु और जीवन, श्राप और आशीष। और लास्ट में वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवन को ही चुन ले। परंतु वहां परमेश्वर की ने अपनी इच्छा जाहिर करी, मगर इसके बावजूद भी हमने मृत्यु को चुना, मौत को चुना। और मौत कैसे आती है, भयंकर तरीके से। किस तरीके से आती, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। ये लाल रंग का जो घोड़ा है इसको ये अधिकार दिया गया है, इसके सवार को जो है ये अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से क्या उठा ले, मेल उठा ले। क्यों उठा ले मेल, कारण क्या है कि पृथ्वी पर से मेल उठा दे, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। अगर आप मत्ती 24 अध्याय उसका 12वां पद पढ़ेंगे ना, मेल उठाने का कारण है, और वो कारण क्या है, देखिए सबसे पहली बात, जब आप नूह के समय में चाहेंगे, क्यों परमेश्वर ने सारे मनुष्य को इस पृथ्वी पर से नाश कर दिया था, सिर्फ नूह और उसका परिवार 8 प्राणी बचे थे, क्यों, क्योंकि उस समय पर भी पृथ्वी के ऊपर जो था, जो मेल, जो विश्वास जो था वो नहीं था, और खास तौर से परमेश्वर से मेल किसी का भी नहीं था। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके। हम मेल तो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों से, और वो भी किन मनुष्यों से, नीचे वर्ग के लोगों से नहीं, ऊंचे वर्ग के लोगों से, जिनके पास अथा पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास पावर है, जो शक्तिशाली है, जो समाज में बहुत बड़ा औहदा रखते हैं, इज्जत रखते हैं, उनसे मेल बनाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर से नहीं करते हैं, या बहुत छोटे गिरे तब के लोगों से नहीं करते हैं, हमारा उठना बैठना उनमें नहीं होता है। तो यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं मत्ती 24 और उसका 12वां पद पढ़ रहा हूं, उठाने का कारण क्या है, आधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आधर्म के यानी पाप के बढ़ जाने से, और सही बात है, जब नूह के समय में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, पानी से जो है जलप्रलय के द्वारा सब मनुष्य समाप्त हो गए। परंतु अब क्या है, अब परमेश्वर जो है पानी से, क्योंकि उसने वायदा करा है कि मैं कभी भी पानी से जो है दुनिया को हलाक नहीं करूंगा, ना खत्म नहीं करूंगा, तब उसने क्या करा कि इनके बीच से मेल उठा ले, क्योंकि मेल की वैल्यू ही नहीं है। मेल है क्या चीज, परमेश्वर से मेल कराने का मेल है क्या, मेल पवित्र आत्मा का एक फल है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है, एक उत्तम योजना है परमेश्वर की, जो अपने पुत्र को भेजकर हमसे मेल कराना चाहता है, हमसे मेल करना चाहता है, और उसने कराया।
पवित्र आत्मा इसलिए उंडेला गया ताकि हम जो है परमेश्वर से मेल रखें और एक दूसरे से भी मेल रखें। बेटा मेरे, पवित्र आत्मा के फल की जो है वैल्यू नहीं कर रहे हैं लोग। उठा ले उस मेल को, उठा लिया गया। और जब मेल उठा लिया गया तो क्या हुआ कि लोग जो हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। अधर्म के कारण जो है लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कचोट रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। आज यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अधर्म इतना बढ़ गया, पाप इतना बढ़ गया, जरा जरा सी चीजों के लिए, जरा जरा सी बातों के लिए, एक छोटी छोटी बातों पे ईगो इतना बढ़ जाता है कि अपने ईगो के कारण, अपने किसी और के कारण, अपने स्वार्थ के कारण लोगों का कत्लेआम ऐसे कर रहे हैं जैसे वो गाजर मूली हो। आज इसका मतलब जो है परमेश्वर की यह भविष्यवाणी जो है वह पूरी हो गई है, याद रखें। और ये दिखाई भी दे रहा है। और जब हम पढ़ेंगे तो लिखा ना, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जरा मैं इस वचन को जो है पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा तिमिथियो 3 अध्याय और उसका पहले पद से लेकर उसका 5 पद तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, क्रुद्धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसो से परे रहना। देखिए ये करीब 20 प्रकार की चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, बातें लिखी हुई हैं 20 प्रकार के अंतिम दिनों में। और ये सारी बातें आज बहुतायत से दिखाई दे रही हैं। इसमें से आप एक भी बात ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है आज मनुष्यों के जीवन में। और लिखा हुआ ना कि स्मरण याद रखें कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ये कठिन समय हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वध होने का, यानी आधर्म के बढ़ जाने से क्या होगा? लोगों का प्रेम ठंडा हो, जब प्रेम ठंडा हो जाता है, जब प्रेम ही नहीं होता है तो जरा जरा सी बात पे जो है हमें क्या लगता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं। परंतु अगर वही व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाए तो उसकी एक जरा सी भी बात अगर वो बोल दे तो हमें, अगर वो सही भी बोल रहा है तो हमें गलत लगती है उसकी बात, हम उसकी बात में नुक्ता छीनी निकालने लगते हैं। और आज यही चीजें हैं परमेश्वर का वचन जो है, और इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। और वैसे तो एक दूसरे को जो है आरंभ से ही मारने काटने का सिलसिला जो है शुरू हो गया था। कब हुआ था? पाप करने के बाद, जब पाप इस दुनिया में आया। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो कैन ने सबसे पहले अपने भाई हाविल का कत्ल किया, और बहुत से लोग नफरत के कारण भी जो है पाप करते हैं, यानी किसी को अपनी नफरत के द्वारा, अपनी जलन कुड़न के द्वारा, किसी को बहुत सताने के द्वारा उसको नरक का भागीदार बना देते हैं। और अगर आपने किसी व्यक्ति को नरक का भागीदार बना दिया तो वो भी एक प्रकार का खून है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पहला योना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद, यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है तो वो उसका हत्यारा है, बिल्कुल साफ लिखा है। और दूसरी चीज, जब हम बात करेंगे कत्ले आम की, भयानक कत्ले आम की जब हम बात करते हैं तो इस संसार में बहुत सा हुआ, परंतु इसका जो आरंभ होता है भयानक तरीके से, वो आरंभ होता है 64 ईस्वी में राजा नेरो के द्वारा मसीह लोगों का जो है कत्ले आम किया गया बहुत बुरे से। और उससे भी भयंकर जो पीड़ा दी गई है मसीही लोगों का, जो कत्लेआम किया गया, जवान बहनों को नंगा करके और जंगली जानवरों के बीच में डाल दिया, उनका मजाक बनाया गया, उनको जिंदा जो है चढ़ाओं पे जलाया गया है, और बहुत बहुत भयंकर पीड़ा। और ये कब हुई है? ये 303 ईस्वी से लेकर 311 ईस्वी तक जो है मसीह लोगों को बड़ा गंभीर ये उत्पीड़न था, और बहुत बड़ा उत्पीड़न था जो मसीह लोगों के साथ किया गया, कत्ले आम, उनका कत्ले आम किया गया है। और पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे
जब आप खासतौर से जब मुगल शासक की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके समय में भी बहुत भयंकर कत्ले आम हुआ। ये कत्ले आम हो रहा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी पर से मेल उठ गया है, मेल उठा लिया गया। आज बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम तो मेल करते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, हम आपसे कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब झूठ। सबसे पहली चीज, अगर हम प्रेम करने वाले होते, हम मेल मिलाप वाले होते, तो हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखते, उसके पवित्र आत्मा से उसके पवित्र आत्मा का जो फल है मेल, उससे भरे होते, पवित्र आत्मा से भरे होते, और हम कभी भी किसी से नफरत या दोष लगाने वाली, ये जो बातें जो हमने दूसरा तिमिथियों 3:1-5 में पढ़ी हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और यही कारण है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज़ को समझना, उसे एक तलवार दी गई है। मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा, उसे तलवार, वैसे तो तलवार का जो है उसके कई अर्थ बाइबल में दिए गए हैं, परंतु यहाँ पर मैं दो अर्थों के बारे में बात बताना चाहूँगा कि वचन रूपी तलवार जो है उसका, उसको भी, तलवार को जो है वचन से भी कंपेयर किया गया है। अय्यूब 5:15, इफिसियों 6:17, इब्रानियों 4:12 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन को जो है तलवार कहा गया, दोधारी तलवार के समान है, तेज तलवार के समान है, वो कहा गया है। और जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा मुख, हमारी जीभ भी जो है वो एक तलवार के समान है। बहुत से रेफरेंस है, परंतु मैं कुछ रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पढ़ लें उसको। भजन संहिता 57:4, भजन संहिता 59:7, भजन संहिता 64:3, यशया 49:2 कि उनका मुख जो है वो, उनकी जीभ जो है वो तलवार के समान है, तेज है तलवार के समान, मुंह से कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, किसी के हृदय में जो है आपकी बातें चुभ रही हैं, आपकी बातें जो हैं उसको बहुत परेशान कर रही हैं, और वो इतना पीड़ित हो गया आपकी कटी बातों से, आपकी दोष लगाने वाली बातों से, आपकी बेकार की बातों से जो है, और वो इतना दुखी हो गया है कि हो सकता है कि वो आपसे हाथापाई करने पर उतारू हो जाए, हो सकता है वो आपको मार डालने पर उतारू हो जाए। और बहुत से जीवन जो है वो इसी तरीके से भी नष्ट हो रहे हैं कि जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। मगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि दो गवाह भी हैं जिनके मुंह से आग निकलती है और वो उनको भस्म कर देती। मुंह से आग निकलने का मतलब नहीं, यानी परमेश्वर का जो वचन है वो निकल कर जो है वो उनको भस्म करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो लाल घोड़ा है इसको और उसका जो सवार है, उसने इस पृथ्वी पर से मेल उठा लिया है, मेल उड़ गया है। और इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना है कि हम सबसे पहले परमेश्वर से मेल करें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि वो मेल जो पवित्र आत्मा का फल है, मेरे वैसे तो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, उन 9 फलों में से एक फल है मेल, और वो मेल का फल हमारे जीवन में बना रहे और दिखाई दे, ताकि हम नफरत में ना आए, हम नफरत के द्वारा नरक के ना तो खुद भागीदार बने और ना दूसरे को भागे दें। तो ये जो है कत्लेआम इसलिए हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे बचें और परमेश्वर की नज़दीकी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष देता है।